नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई 2.0 पर। कैसे हो साथियों? त्योहारों का सीजन है, अच्छे से आप जो है आप त्यौहार मनाइए और इसी के साथ में आपकी जो पढ़ाई है इसे भी कंटिन्यू रखिए। साथ ही वाईफाई 2.0 चैनल आपके लिए डेडिकेट है RPSC और RSM SSB बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, आने वाली जो एग्ज़ाम है उनके लिए बिल्कुल डेडिकेट चैनल है साथियों। ये आपको इसी कड़ी के अंदर मैं विष्णु आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। और अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के बहुत सारे फायदे हैं साथियों, सभी एजुकेटर के द्वारा जितनी भी लाइव क्लासेस ली जाती है वो आप ले सकते हो। आप जो है अनलिमिटेड लाइव एक्सेस 24/7 ले सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज जो है वो ले सकते हो, अच्छा गाइडेंस आप ले सकते हो मेरे प्यारे भाइयों। तो देखो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं और अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद RPSC सेक्शन में जाके प्लस पे क्लिक करके आप 24 मंथ्स के लिए केवल 350 रुपीस पर मंथ में कोर्स परचेज कर सकते हो। और RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को आप फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले जो भी टेस्ट हैं राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके साथियों। टेस्ट आपकी बहुत हेल्प करते हैं साथियों। अभी जो पुलिस वाली एग्जाम लगी है मैं हमेशा कहता आया हूँ कि 80-90% कवर करेंगे, लेकिन यहाँ 90% से भी ज़्यादा अबो हम कवर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि मैं जो आपको कोर्स देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो मैं 0 लेवल से हाई अपर लेवल तक मैं आपको पढ़ाता हूँ साथियों, ठीक है। अगर विष्णु वन रेफरल कोड का यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। और सक्सेस की सबसे खास बात आप जानते हो, जो मेहनत करता है ये उसके जाके गले लगती है और उसी के ऊपर फिदा होती है। अब हम बात करेंगे आज जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है लाइव स्टॉक यानी पशु संपदा। जो पशु संपदा, धन का मतलब क्या होता है? संपदा होता है, ठीक है ना। तो पशुधन कहें तो ये गलत बात नहीं होगी। पशुधन हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हो हम मिश्रित कृषि करते हैं। क्या करते हैं राजस्थान के अंदर? मिश्रित कृषि। मैंने आपको बहुत सारी कृषि के प्रकार बताए हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक कृषि का प्रकार मैंने आपको बताया है मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि का क्या मतलब होता है, ये RSP 2003 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, कि मिश्रित कृषि का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है पशुपालन के साथ साथ कृषि व्यवसाय करना, यानी पशुपालन के साथ साथ क्या करना, कृषि व्यवसाय करना ही आपके किस में आता है, मिश्रित कृषि में आता है। यानी एक तो आप क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, कृषि कार्य करेंगे। तो ये जो दोनों काम है जब आप किसान लोग वो एक साथ करते हो तो ये मिश्रित कृषि में आता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिए इस बात का। हम देखो पशुपालन के क्या लाभ हैं। आप जानते हो राजस्थान के अंदर 61.11% क्या है, मरुस्थल वाला भाग है। और मरुस्थल वाला भाग है तो यहाँ पर किसकी कमी है, आपके पानी की क्या है, कमी है। और पानी की कमी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की क्या होती है, हमेशा न्यूनता होती है, यानी वर्षा हमेशा कम होती है। जब पानी की कमी है, वर्षा की कमी है, तो यहाँ पर वनस्पति की भी कमी है, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी कृषि कार्य जिस वर्ष मानसून होता है उस वर्ष तो अच्छे होते हैं, लेकिन मानसून नहीं है तो फिर आपके कृषि कार्य भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो जब कृषि कार्य ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, या तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए हमारे जो पशुधन है, इसलिए पशुओं को हमने क्या बोला है, धन बोला है, यानी इसे संपदा बोला है। ये क्या है, हमारी असेट्स है, हमारी संपत्ति है भाई ये पशुधन, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसी कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो पशुधन है वो क्यों महत्वपूर्ण है और किस लिए महत्वपूर्ण है। कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा भाई, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम इसमें आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। चलिए साथियों शुरू कीजिए और त्योहारों के सीज़न के साथ साथ थोड़ी सी स्टडी के ऊपर भी फोकस कीजिए, जिससे हमारा पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और मैं हमेशा कहता हूँ राजस्थान टॉप करना है तो राजस्थान टॉप करना ही है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा मैं जैसे मैं आपको क्लासरूम के अंदर ये टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो पशुधन का मतलब है लाइव स्टॉक। तो सबसे पहला प्रश्न या सबसे पहली बात ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। नंबर वन, SGDP
एस जीडीपी का मतलब है राज्य सकल घरेलू उत्पाद। अगर आपसे पूछे कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक वर्ष के अंदर, यानी जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक वर्ष के अंदर एक क्षेत्र में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का क्या मूल्य, ये क्या होता है, आपके जीडीपी कहलाता है, ठीक है ना, मूल्य। तो देखो अगर आपसे पूछे कि आपके जो पशुधन है, पशुपालन है, किसका, राजस्थान की एस जीडीपी के अंदर कितना योगदान है, तो आप ध्यान रखना 10 से 11% का योगदान है। ये पहला प्रश्न बनता है आपके कि राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद के अंदर पशुधन का कितना योगदान है, तो ये 10 से 11% का आपके इसका योगदान है। दूसरी बात देखिए, अगर आपसे पूछे कि पशुपालन के अंदर, यानी जो आपके पशुपालन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा श्रम करने वाला कौन है, यानी इसके अंदर आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जो श्रम है वो 90% से ज़्यादा जो श्रम किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो देखो पशुधन इसलिए बोलते हैं महिला के द्वारा किया जाता है, ये धन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है महिलाएं ज़्यादा काम करती है, लेकिन हालांकि महिलाओं की आय को हम क्या नहीं करते, हम हमारी जीडीपी के अंदर नहीं ऐड करते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ये जो आपके दूध उत्पादन है, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर अभी और बताऊंगा, राजस्थान जो है लगभग 12 से 13% दूध का उत्पादन करता है पूरे भारत का, और साथ में ऊन के उत्पादन में तो राजस्थान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऊन के उत्पादन तो लगभग 34.42% ऊन का उत्पादन करता है, और ऊन के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपके बीकानेर में है, ठीक है ना, और सिंथेटिक वूल आपके कहाँ बनती है, आपके भीलवाड़ा में बनती है। इन सब की बातों की चर्चा करेंगे भाई, ठीक है ना। अगली बात देखो, अगर हम बात करें पशु गणना की, पशु गणना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना, और पशु गणना से क्या आते हैं, हमारे सवाल आते हैं, तो ठीक है, तो क्या सवाल बन सकते हैं, मैं आपको यहीं पर बता दूँ। सबसे पहली बात, अभी आपके जो पुलिस वाला एग्जाम लगा उसके अंदर प्रश्न पूछा कि बताइए भाई जो आपकी जनगणना होती है वो कितने साल में होती है, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना जो जनगणना होती है वो आपके प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर होती है, ठीक है। जो आपके वन गणना होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि पता है आपको लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जो वन गणना होती है वो प्रत्येक आपके 2 वर्ष के अंदर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पशु गणना होती है, ठीक है ना, जो आपकी पशु गणना होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पशु गणना होती है वो आपके प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर होती है। कितने वर्ष के अंदर होती है, 5 वर्ष के अंदर होती है। तो सबसे पहली बात, आपकी जो पशु गणना है ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर होती है। कितने वर्ष के अंदर होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि पशु गणना कौन करवाता है, ठीक है ना, यानी कौन सा कोई डिपार्टमेंट है, कोई विभाग है, कोई सरकार है, केंद्र सरकार है कि राजस्थान सरकार है। तो देखो आपकी एक मंडल है जिसका नाम है राजस्व मंडल। क्या नाम है, राजस्व मंडल। और ये राजस्व मंडल कहाँ पर है, ये राजस्व मंडल आपके अजमेर में है, यानी जो भी आप जो तहसीलदार सेवा होती है वो इसी मंडल के अधीन काम करता है, यानी जितना भी राजस्व होता है आपके पशु से संबंधित उसका मैनेजमेंट आपके राजस्व मंडल करता है, और जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपके अजमेर में है। ये देखो ये कुछ बेसिक बात हुई, ठीक है ना। इसके अलावा हम पूरी की पूरी बेसिक बात करेंगे, देखो एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं मैं आपके, पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा, भले ही आज त्यौहार हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अपना तो क्या है 40-50 मिनट का क्लास है, ठीक है ना। तो देखो एक घंटे की बात है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली पशु गणना कब हुई थी, तो देखो सबसे पहली पशु गणना जो हुई थी आपके वो दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल, कहाँ पर, अप्रैल 1920, यानी दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 5 महीने तक ये ये जो पशु गणना है ये चली थी, ठीक है ना। पहली पशु गणना कब हुई आपकी, 1919 से 1920 तक आपकी पहली पशु गणना हुई, और आपको जानकर ताजुब होगा कि 1947 से पहले, यानी 1947 में हम आज़ाद हुए, तो 1947 से पहले राजस्थान की कुछ रियासतें थी जिसके अंदर एक आपकी जयपुर रियासत है, एक आपकी बीकानेर रियासत है, और एक आपकी जोधपुर रियासत है, और एक आपकी कोटा रियासत है, और एक आपकी बूंदी रियासत है। इन बूंदी रियासतों ने जो है पशु गणना का काम आरंभ कर दिया था। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया था,
मतलब हमारे स्वतंत्रता से पहले ही क्या करना शुरू कर दिया था, पशु गणना करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, इन्होंने पहले ही क्या शुरू कर दिया, आपके पशु गणना शुरू कर दी थी हमारे 1947 से पहले ही। अब देखो हम बात करें किसकी, स्वतंत्र राजस्थान की। अगर हम बात करें किसकी, स्वतंत्र राजस्थान की, तो स्वतंत्र राजस्थान का मतलब क्या है, 1947 के बाद में। देखो साथियों टाइम लगता है लेकिन चीज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 1947 के बाद की बात करें तो आपसे सबसे जो पहली गणना हुई 1947 में, वो कब हुई आपके, 1951 में हुई। कब हुई, 1951 के अंदर स्वतंत्रता के बाद जो पहली पशु गणना हुई वो आपके 1951 में हुई, ठीक है ना। और इस गणना के अंदर, ये जो आपकी पहली गणना हुई 1951 में, इस गणना के अंदर आपको पता है आपकी जो पशु संपदा थी वो थी 255.16 लाख, ठीक है ना। कितनी थी, 255.16 लाख पशु संपदा थी आपके पूरे के पूरे राजस्थान में। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर एक आपकी पशु गणना आई आपके 1997 की गणना, ठीक है ना, 1997 की गणना, ठीक है ना। तो देखो 1997 की गणना और उसके बाद में 2003 की जो आपके पशु गणना है, ये महत्वपूर्ण है, आपको बताना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1997 की गणना और 2003 की जो पशु गणना हुई थी उसके अंदर पशुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हुई थी, ठीक है ना। उतनी कमी आज तक कभी नहीं हुई, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ पर जो है आपके पशु संपदा 1997 के अंदर जब हमने काउंटिंग करी तो ये पशु संपदा आपके 5.47 करोड़ थी। कितनी, 5.47 करोड़। लेकिन 2003 के अंदर हमने जो पशु गणना की तो ये 4.91 करोड़ रह गई। कितनी रह गई, 4.91 करोड़ रह गई। यानी आपको जानकर ताजुब होगा कि 1997 से 2003 तक 10.1% की क्या रही, कमी रही, क्या रही गई, कमी रही। यानी देखो 10.1% की कमी हो गई आपके 1997 से 2003 की पशु गणना में, और ये कमी जो है अब तक की सबसे ज़्यादा कमी मानी जाती है। अब आप पूछोगे कि साहब इसका कारण क्या है, तो कारण भी सुन लो साथियों, कारण क्या हो सकता है। मैंने पहले बताया मिश्रित कृषि करते हैं राजस्थान में, क्यों, क्योंकि अकाल की स्थिति रहती है। तो यहाँ पर क्या हो गया था, बहुत भयंकर क्या हो गया था साथी, अकाल की स्थिति आ गई थी। और इसी कारण से क्या हुआ, 1997 की गणना से लेकर 2003 की गणना में हमारे पशुधन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गई, कमी हो गई मेरे प्यारे साथी। और कमी कितनी, 10.1% की हमारी कमी हो गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी कड़ी के अंदर हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो देखिए फिर हम बात करते हैं 18वीं गणना की। कौन सी गणना की, 18वीं गणना की। देखो साथी समय लगेगा लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं। 18वीं गणना की बात करें तो ये 18वीं गणना आपके अक्टूबर 2007 में हुई। कब हुई, अक्टूबर 2007 में आपकी 18वीं गणना हुई। और इसकी खास बात क्या है, ये गणना जो है आपके पहली बार, यानी पहली पशु नस्ल आधारित गणना थी। कौन सी आधारित थी, पशु नस्ल आधारित गणना थी। नस्ल आधारित गणना यानी आधारित गणना थी ये। यानी इसके अंदर जैसे गायों की काउंटिंग की गई तो ये काउंटिंग किया गया कि मेवात की गायें कितनी है, गिर गायें कितनी है, कांकरेज गायें कितनी है, हरियाणवी कितनी है, मालवी कितनी है, राठी कितनी है, ठीक है ना, गिर कितनी है और नागौरी कितनी है, ठीक है ना, जर्सी कितनी है, होलिस्टन कितनी है, अलग अलग जो भी नस्लें थी उसके आधार के ऊपर गणना की गई। ये पहली गणना थी 18वीं गणना जो 2007 में हुई थी और पहली पशु नस्ल आधारित गणना की गई। उसके बाद देखो 19वीं गणना हुई आपके, 19वीं गणना। और जो 19वीं गणना थी ये हुई आपके कब, अक्टूबर 2012 में। कब हुई ये, अक्टूबर 2012 में आपके 19वीं पशु गणना हुई, ठीक है ना। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो हमारे पशुधन था वो 577.32 लाख था। कितना पशुधन था राजस्थान में, 577.32 लाख पशुधन था। और ये जो पशुधन था, ये पशुधन आपके भारत का कितना था, 11.27%। देखो 12% पशु तो किसमें है, केवल राजस्थान में है, ठीक है। और 19वीं जनगणना की बात करें तो देखो पशु घनत्व, 19वीं जनगणना की बात करें तो जो पशु घनत्व था वो 169 था। कितना था, 169 पशु घनत्व था आपके 19वीं जनगणना में। अगर इस पशुधन की, पशु घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर था और न्यूनतम कहाँ पर था, ये भी एक बार देख लेते हैं। देखो 20वीं गणना के अंदर तो हम देखेंगे तो सर्वाधिक जो पशु घनत्व था वो आपके दौसा में था। कहाँ पर था, दौसा में। और दूसरा एक है आपके राजसमंद।
ठीक है ना। ये दोनों नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर ही जो पशु घनत्व था आपके राजस्थान में 19वीं गणना के अनुसार वो था 292, यानी 292 प्रति 1000 व्यक्तियों पर 292 पशु थे। अगर न्यूनतम की बात करते हो तो ये न्यूनतम जो आपके पशु घनत्व था वो आपके जैसलमेर में था मेरे प्यारे साथी। कहाँ पर था? जैसलमेर में। और कितना था मेरे प्यारे साथी? 83, यानी 83 जो है आपके न्यूनतम पशुधन था जैसलमेर में। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ये 19वीं गणना की बात थी। अब आप बोलोगे 19वीं क्यों बता रहे हो साहब? 19वीं इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिससे जब हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा क्या है? हमारे 20वीं गणना, ठीक है ना। 20वीं जो आपकी पशु गणना है इसकी बात करते हैं। जो 20वीं पशु गणना है ये थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही है। तो देखो 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुई? ये गणना आपके प्रारंभ हुई, यानी ये आपकी जो 20वीं पशु गणना थी ये कब प्रारंभ हुई? 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई। और 16 अक्टूबर का दिन आया 2019, यानी लगभग 1 साल और 10 दिन के बाद में इसके क्या किए गए? आंकड़े जारी किए गए। क्या किए गए आंकड़े? क्या किए गए मेरे प्यारे साथी? जारी किए गए। यानी 20वीं पशु गणना 1 अक्टूबर 2018 से हुई और 16 अक्टूबर 2019 को इसके क्या जारी कर दिए गए? आंकड़े जारी कर दिए गए। अब देखो इसके अनुसार मोटे मोटे जो आंकड़े हैं वो ये है कि राजस्थान के अंदर कुल पशु संपदा कितनी है, ठीक है ना। यानी राजस्थान के अंदर जो कुल आपके पशु संपदा है वो कितनी है? तो ये आपके है 568.01 लाख। कितनी है? 568.01 लाख। इसको आप दूसरी भाषा में कैसे याद रख सकते हो? 5 करोड़ और 68 लाख, यानी 5.68 लाख, ठीक है। ये आपकी क्या है? पशु संपदा है। 5.68 करोड़, यानी 5 करोड़ और 68 लाख क्या है? आपकी पशु संपदा है, ठीक है ना। और देखो ये क्या है, ये जो पशु संपदा है ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? तो देखो राजस्थान के अंदर 20वीं पशु गणना के अनुसार 568.1 लाख पशु थे, ठीक है ना, जो कि भारत के कुल पशुओं का लगभग 10.58% है। कितना प्रतिशत है? लगभग 10.58% है। तो देखो हम जो है, अगर हम 19वीं गणना की बात करें तो 19वीं गणना में 11.27% था। तो देखो अब इस गणना में क्या हुआ? 10.58% हुआ है। तो देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है? 2012 से, यानी 19वीं गणना से, 2012 में कौन सी गणना हुई थी? 19वीं गणना से 2019 में, यानी 20वीं गणना में देखो कुछ चेंजेज हुआ है क्या? यानी जो हमारे राजस्थान का पशुधन था, किसका? राजस्थान का जो पशुधन था, इस पशुधन में जो है 1.61% की क्या आई है? कमी आई है। बात समझ रहे हो? यानी राजस्थान के पशुधन में 1.61% की क्या आई है साथी? कमी आई है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। तो 2012 से 2019 राजस्थान का जो पशुधन था उसमें 1.61% की कमी आई है। अब आप यहाँ देख लो, 19वीं गणना के अंदर 5 करोड़ 77 लाख पशु थे, अब यहाँ पर 5 करोड़ 68 लाख पशु हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो कमी कितनी आई? 1.61% की क्या आई मेरे प्यारे साथी? कमी आई है। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको पता रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम, अगर हम बात करें पशुधन के हिसाब से, ठीक है ना। तो पशुधन के हिसाब से जो है पहला स्थान किसका है पूरे भारत में? तो पहला स्थान आपके योगी राज का है, यानी उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और यहाँ पर 12.67% क्या है? पशु संपदा है। क्या है? पशु संपदा। और ये किसकी है? पूरे भारत की है। बात समझ गए। अगर राजस्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर आपके आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। और राजस्थान के अंदर पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? 10.58% जो है पशु संपदा मिलती है पूरे भारत की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर हम बात करें पशु घनत्व की। किसकी बात करें? पशु घनत्व की बात करें तो ये पशु घनत्व 166 है। कितना है? 166। तो अब 19वीं की बात करें, 19वीं गणना की बात करें तो ये पशुधन कितना था? 169 था।
ठीक है ना। यानी पशुधन के अंदर भी क्या आई है, कमी आई है, और कमी कितने बिंदुओं की आई है, तीन बिंदुओं की क्या आई है, कमी आई है। ध्यान रखना इस बात का कि तीन बिंदुओं की कमी आई है भाई, ठीक है, तीन बिंदुओं की क्या आई है, कमी आई है। ये महत्वपूर्ण कुछ आपके फैक्चुअल डेटा थे जो आपको बहुत जरूरी है जानना, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो हम बात करें 2019-20 की जो आर्थिक समीक्षा है, 2019-20 की क्या है, आर्थिक समीक्षा जो है इसकी हम बात करते हैं। तो इस आर्थिक समीक्षा के अंदर आप देखोगे पूरे भारत की, यानी भारत का अगर हम बात करें गाय की बात करें तो गाय जो है पूरे भारत की लगभग 7.23% गायें जो है आपके राजस्थान में है, ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करें बकरियों की, ठीक है ना, बकरियां यानी पूरे भारत की कितनी प्रतिशत बकरियां आपके राजस्थान में है, तो लगभग 14% बकरियां आपके राजस्थान में है। ऐसे ही हम बात करें अगर पूरे भारत की भैंस जो है इसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो इसका 12.47% आपके राजस्थान में है, ठीक है ना। तो ये गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई। उसके बाद में हम बात करें ऊँट के बारे में, ठीक है ना। अगर ऊँट की बात करें तो ऊँट देखिए पूरे भारत का जितना भी ऊँट है उसका लगभग 84.43% राजस्थान में है, ठीक है ना। अब एक है आपके मेजर इम्पोर्टेंट भेड़, अगर पूरे भारत की भेड़ की बात करें तो लगभग 10.64% जो है ये आपके राजस्थान में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, आपके रंगीले राजस्थान में प्राप्त होती है। ये आंकड़े हैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। साथ ही यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको रत्ती भर भी बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, इतना तो मेरा वादा है भाई साथी आपसे। तो देखो पशुधन की बात करें तो 20वीं गणना के अनुसार पहला राज्य उत्तर प्रदेश है 12.67% के साथ में, ठीक है। दूसरा राज्य आपके राजस्थान है 10.58% के साथ में। पशु घनत्व 20वीं गणना के अनुसार 166 है और 19वीं गणना के अनुसार 169 है, यानी तीन बिंदुओं की क्या आयु कमी आई है। अगर आर्थिक समीक्षा की बात करें तो आप मोटा मोटा याद रखो कि पूरे भारत में जितनी भी गायें मिलती है उसका लगभग 7% जितनी आपके जो है भेड़ मिलती है उसका 10%, जितनी भैंस मिलती है उसका आपके 12%, जितनी आपके बकरी मिलती है उसका 14%, जितने ऊँट मिलते हैं उसका 84%। यानी अगर आपको इनका क्रम दे दे, ठीक है ना, तो सबसे पहला कौन सा होगा, अगर आपको इनका क्रम जमाने के लिए दे दे तो सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला होगा ऊँट, ठीक है ना। यानी ऊँट जो है एक नंबर पे है, यानी सबसे ज़्यादा पशु संपदा वाला कौन सा है, ऊँट है। पूरे भारत की सबसे ज़्यादा पशु संपदा राजस्थान में किस जानवर की है, ऊँट की है। अगर आर्थिक समीक्षा के अनुसार हम देखें तो जो दूसरा सबसे ज़्यादा पशु है वो क्या है, बकरियाँ, ठीक है ना। ये क्रम पूछा जा सकता है आपको, इसीलिए मैं आपको अभी ही चेता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में अगर तीन नंबर पे आपसे पूछे तो फिर क्या आएगी, फिर आएगी आपके भैंस, यानी लगभग 12% आपके भैंस जो है राजस्थान में है। फिर चार नंबर पे आपसे पूछे तो फिर क्या आएगी, भेड़, यानी भेड़ लगभग 10.64% भेड़ आपके यहाँ पर है। नंबर पाँच की बात पूछो तो उसके बाद में क्या आएगी, उसके बाद आएगी आपके गाय माता, ठीक है ना, यानी गाय। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा पशु, भारत का सबसे ज़्यादा पशु राजस्थान में कौन सा पशु है, तो ऊँट है, नंबर दो पे बकरी है, नंबर तीन पे भैंस है, नंबर चार पे भेड़ है और नंबर पाँच पे गाय है। तो मोटा मोटा आप ये भी याद रखना कि गाय 7% है और 7 × 14, बकरी 14% है और भैंस आपकी 12% है, ऊँट आपके 84% है और भेड़ आपके 10% है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक मोटी बात और करते हैं कि अगर भारत का हम पूछें कि जो राजस्थान है वो किस स्थान पर या किस स्थान के ऊपर जो है आपके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो देखो भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है गाय के अंदर सेकंड स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान आपके कौन रखता है, ब्राज़ील, गांज हुआ ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील, ठीक है ना। तो ये ब्राज़ील जो है गाय के अंदर पहले स्थान पर रखता है, भारत की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें भैंस की तो भारत जो है, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, भारत भैंस के अंदर पहले स्थान पर है,
पूरे विश्व के अंदर। अगर हम बात करें, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि बोवाइन का मतलब क्या होता है। बोवाइन एक जानवरों का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर एक तो आपकी गाय, एक आती है आपकी भैंस, ठीक है, एक आती है आपकी याक, वाई फोर याक, याद आया, एक आती है आपकी मिथुन, ठीक है ना। ये चारों जो मिथुन चक्रवर्ती नहीं है ये, ठीक है ना, ये चारों जो जानवर हैं ये बोवाइन में आते हैं। और बोवाइन के अंदर अगर आप भारत की बात करते हो तो, यानी इस ग्रुप के जानवरों के अंदर भारत की बात करते हो तो भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। कितने नंबर पे है? एक नंबर पे आता है। ये महत्वपूर्ण बात है बोवाइन के अंदर। अगर हम बात करें बकरी की तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बकरी के अंदर पूरे विश्व के अंदर जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? आपका पड़ोसी देश, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा पड़ोसी देश चीन। ये बकरी की बात है। अगर हम बात करें भेड़ की, ठीक है ना, तो भेड़ की बात करें तो भेड़ के अंदर जो पूरा भारत है वो तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है ना। तो पहले स्थान पर कौन आता है? वही आपका पड़ोसी देश, ठीक है ना, प्रिय पड़ोसी देश प्रिय पड़ोसी देश जिसका नाम क्या है? चीन। अगर भेड़ की बात करो तो भेड़ के अंदर भी ये आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे ऊँट की, ठीक है ना। अगर ऊँट की बात करें तो ऊँट के अंदर, ऊँट जो सबसे ज़्यादा है खाड़ी देशों में मिलते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, ठीक है ना, आपके सऊदी अरब अमीरात हो गया, इनके अंदर ज़्यादा मिलते हैं। तो ऊँट के अंदर राजस्थान, भारत का जो स्थान है वो 16वां है, 16th पोजिशन पे है भारत। तो ये हमने बात करी मोटे तौर पे किसकी? भारत की। यानी गाय में दूसरा स्थान है, भैंस में पहला है। बोवाइन का मतलब क्या होता है? गाय, भैंस, याक और मिथुन, ये जब सब मिलते हैं तो इसे बोवाइन कहते हैं। और भारत का स्थान बोवाइन के अंदर एक नंबर है। बकरी की बात करें तो बकरी में दो नंबर है, भेड़ में तीन नंबर है, और ऊँट के अंदर 16वें स्थान पर आते हैं हम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ और आंकड़ों की जो आपके इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें मिल्क की, मिल्क का मतलब क्या है? दूध की हम बात करें तो, दूध की हम बात करें तो जो दूध है पूरे विश्व का जो है लगभग 12.60% दूध जो है आपके भारत में, और इसका लगभग 12% दूध आपके राजस्थान में मिलता है, ठीक है ना। और राजस्थान जो है इसके अंदर दूसरे स्थान पर है। राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो पहले स्थान पर कौन है? आपके उत्तर प्रदेश। यानी अगर आपसे पूछे कि दूध उत्पादन के अंदर राजस्थान का स्थान क्या है, तो एक नंबर है, मतलब दो नंबर है, और उत्तर प्रदेश का स्थान एक नंबर है। ऐसे हम बात करें ऊन के बारे में, ठीक है ना, तो ऊन जो है लगभग 34.42% ऊन आपके राजस्थान उत्पादित करता है। और जो आपका रंगीला राजस्थान है, ये राजस्थान पूरे भारत में एक नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? एक नंबर पे। अगर हम बात करें अंडे की, अंडा उत्पादन की बात करें, तो अंडा उत्पादन जो है ये पूरे राजस्थान में पूरे भारत का लगभग 6.61%, यानी लगभग 2% से भी कम जो है अंडा उत्पादन आपके राजस्थान करता है। और जो राजस्थान है अंडे के अंदर, राजस्थान का स्थान बहुत नीचे है, और ये 15वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 15वां स्थान आता है। अंडे के उत्पादन में जो है आपके राजस्थान कौन सा स्थान आता है? 15वां। देखो, और देखो, अगर हम बात करें राजस्थान में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता की, राजस्थान में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता, तो आपको जानकर ताजुब होगा, ज्यादा नहीं है, केवल 22 अंडे हैं। कितने हैं? केवल 22 अंडे। तो ये हुई बात अंडे की। अगर हम बात करें मांस की, ठीक है ना, अगर हम बात करें मांस की, तो मांस की बात करते हैं तो पूरे भारत का लगभग 2.34% मांस किस कौन उत्पन्न करता है? राजस्थान। और राजस्थान का स्थान इसके अंदर मांस उत्पादन में कौन सा है? राजस्थान का स्थान मांस उत्पादन में आपके जो है 12वां है। कौन सा है? 12वां, यानी 12th पोजिशन पे आता है। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा, राजस्थान जिस जिसके अंदर पहला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, अगर 2018-19 के आंकड़ों की बात करें, 2018-19 के आंकड़ों की बात, तो देखो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन, तो राजस्थान इसके अंदर बहुत आगे है। तो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन की बात करें तो प्रति व्यक्ति 870 ग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता करता है राजस्थान प्रति व्यक्ति। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में जो है प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन कितना है,
तो इससे राजस्थान बहुत आगे है, इसलिए आपको बता रहा हूँ प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन कितना है। तो प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन आपको जानकर ताजुब होगा, केवल 394 ग्राम, यानी आधा लीटर भी नहीं है। लेकिन हमारे कितना है ग्राम या मिलीलीटर कह दो आप, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन कितना है राजस्थान में, 870 मिलीलीटर। यानी ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की। तो देखो राजस्थान के अंदर जो प्रति व्यक्ति एक आदमी को दूध मिलता है वो 870 है, वो पिए नहीं वो अलग बात है, लेकिन उत्पादन इतना करते हैं हम। और अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन है वो 394 मिलीलीटर है। तो इससे हम बहुत आगे हैं भाई, बात समझ गए, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम दूध की बात कर ही लेते हैं तो इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि दूध जो है, दूध कितना बताया मैंने, लगभग 12.60% दूध का उत्पादन हम करते हैं। और राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। अगर दूध में पूछे आपसे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दूध कौन से ज़िले में उत्पादित होता है, तो बता दीजिए, देखिए आंसर आप दे सकते हैं, सर्वाधिक दूध कहाँ पर उत्पादित होता है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है आपके जयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में होता है, जयपुर में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर न्यूनतम दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये होता है साथी आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर होता है, बांसवाड़ा में। तो ये दो आपको नाम याद रखने हैं कि सर्वाधिक दूध का उत्पादन आपके जयपुर ज़िले में होता है और न्यूनतम दूध का उत्पादन आपके बांसवाड़ा ज़िले में होता है। ऐसे ही हम बात करें ऊन के बारे में, तो ऊन जो है लगभग 34.42%, यानी लगभग 34.42% आपके राजस्थान में होती है। और राजस्थान जो है ऊन के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बताओ देखो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई न्यूनतम दूध का, आपके न्यूनतम ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो साथ ही इन दोनों का आंसर अलग है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन आपके होता है जोधपुर में। ध्यान रखना सारी की सारी ज़्यादातर कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, प्रयोगशाला, टेस्टिंग लैब बीकानेर में है, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी ऊन की बीकानेर में है। लेकिन सर्वाधिक दूध ऊन का उत्पादन कौन करता है, आपके जोधपुर करता है। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो न्यूनतम उत्पादन आपके झालावाड़ में होता है। कहाँ पर होता है मेरे प्यारे साथी, झालावाड़ के अंदर आपके न्यूनतम दूध का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो देखो ये कुछ हमने फैक्चुअल चीज़ें आज हमने देखी है, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, ठीक है ना। समय ज़्यादा नहीं लगा है, एक बार हम वापस डिवीजन करते हैं। देखो प्रथम बार शुरू 1919 के अंदर ये गणना जो है, प्रथम बार शुरू हुई थी 1919 में, और ये गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। और ये गणना कौन कर पाता है, आपके राजस्व मंडल करवाता है, इस बात का आपको ख्याल रखे, कौन करवाता है, राजस्व मंडल। 20वीं पशु गणना आपके 1 अक्टूबर 2018 शुरू हुई थी, और लगभग 20 अक्टूबर 2019 के आसपास इसकी क्या आई थी, आंकड़े जारी हुए थे। और इसकी खास बात यह है कि पहली डिजिटल गणना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके जो है भारत के अंदर पहली गणना क्या है, डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या है, इसके अंदर पशुओं की फोटो खींची गई है और डेटा को सेव किया गया है इंटरनेट के माध्यम से, और आईपैड पे, आईफोन पे, ठीक है ना, उसको इसको डेटा को सेव किया गया है। देखो इस गणना को पहले तो कौन करवाता था, पशु आपके जो राजस्व मंडल है वो करवाता था। लेकिन अब देखो मत्स्य पशुपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन से डेयरी विभाग ने 20वीं पशुगणना रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2019 को जारी की। 20वीं पशुगणना राजस्व मंडल, देखो नंबर एक क्या है, राजस्व मंडल, और नंबर दो क्या है, पशुपालन निदेशालय जयपुर के द्वारा की गई। इसके द्वारा की गई, पशुपालन निदेशालय जयपुर के द्वारा की गई। सर्वाधिक पशु कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश है, ये प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान का स्थान कितना है, दूसरा स्थान है, इसके बारे में हमने क्या कर ली, पहले ही चर्चा कर ली है भाई, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आज की, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया कि 2012 में 19वीं पशु गणना हुई थी, ठीक है ना, और यहाँ पर 5,70,00,000 पशु थे। ये देखो 2012 में 5,70,00,000 पशु हैं, और 2019 में 5,68,00,000, यानी जैसे ये है ना 57.7 मिलियन, ठीक है ना, क्या है 57.7 मिलियन। इसको आप लिख सकते हो 5 करोड़
77 लाख, ठीक है ना, या आप इसे यूँ भी लिख सकते हो 5.77 करोड़, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो साथी ये है आपके इम्पोर्टेंट पार्ट, ये कितना है लगभग इतना आपके पशुधन था कब 2019 में, अब 2012 में, 2019 की बात करें तो देखो ये क्या लिखा हुआ है 56.8 मिलियन, यानी आप इसे लिख सकते हो 5 करोड़ 68 लाख, या आप ये लिख सकते हो 5.68 लाख, आप यू भी लिख सकते हो इसे 5.68 लाख, ये भी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट बात कि ये आपके पशुधन इतना है और पशुधन इतना नहीं है। देखो 2019 में जो 20वीं गणना आई, यानी 19वीं गणना से जो 20वीं गणना के अंदर हम पहुँचे, तो हमने कितने पशुओं के अंदर कमी कर ली, 1.66% पशुओं में कमी कर ली। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। एक बार वापस देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करी आज हमने। तो देखो राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत, 10 से 11% का योगदान है। जनगणना 10 वर्ष में होती है, वनगणना 2 वर्ष में होती है, पशुगणना 5 वर्ष में होती है। पशुपालन में 90% श्रम किसका है, महिलाओं का है, ठीक है ना। पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, राजस्व मंडी अजमेर करवाता है, लेकिन इस बार डिजिटल गणना थी इसलिए पशुपालन निदेशालय ने भी इसमें योगदान दिया, जो आपके जयपुर में है। पहली कब हुई 1919 में, स्वतंत्रता के बाद कब हुई 1951 में, तब कितने पशु थे 255 लाख पशु थे, आज कितने हैं ये 566 लाख पशु है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर हुई, 1997 से 2003 की जो पशु गणना थी जिसके अंदर 10.1% पशुओं में कमी आ गई थी, और कारण क्या था, अकाल। और 18वीं गणना 2007 में, 19वीं 2012 में, 19वीं के अंदर पशुधन 16 पशु घनत्व 169 था, जो कि अभी 20वीं के अंदर 166 रह गया है, ठीक है। और कमी कितनी आई है 19वीं से 20वीं में, 1.61%, ठीक है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा ऊंट है 84%, बकरियाँ है आपके 14%, भैंस है लगभग 12%, भेड़ है आपके लगभग 10%, और गाय है आपके लगभग 7.23%, ठीक है ना। गाय के बारे में भारत की बात करें, भारत गायों में दूसरे स्थान पर है, भैंस में एक पहले स्थान पर है, बोवाइन में पहले स्थान पर है, बकरी में दूसरे स्थान पर है, भेड़ में तीसरे स्थान पर है, ऊँटों में 16वें स्थान पर है। दूध में राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर है, ऊन के अंदर पहले स्थान पर है, अंडे के अंदर 15वें स्थान पर है, मांस के अंदर 12वें स्थान पर है, ठीक है। और दूध के अंदर दूध कितना 12.60% दूध उत्पादन करता है, और ऊन कितना 34.42%, यानी 34.42% आपके राजस्थान उत्पादित करता है। तो ये कुछ बातें थी साथियों, दिवाली का त्यौहार अच्छे से इन्जॉय कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है इसकी कार्रवाई करते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, फटाके मत चलाइए, मुंह पे मास्क लगाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।